एक ना मैं ना ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, लाइक एक सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है मुझे। मैं एक कोई टीचर की फोटो ले लेता हूँ, टीचर PNG इमेजेस। और यहाँ पे कौन सी वाली फोटो ले ले, ये वाली फोटो ले लेते हैं। हाँ पा, ठीक ठीक है, ठीक है। मैं ठीक है, तो यहाँ से ये फोटो ले लेते हैं, ओपन इमेज न्यू टैब, इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम कलर दे देते हैं नीचे, कंट्रोल बैक स्पेस। मुझे ना इसके चारों तरफ ना आउटलाइन चाहिए। ठीक है, तो आपको कोई तरीका पता है कि चारों तरफ आउटलाइन क्रिएट हो जाए? देखो, मैंने कंट्रोल दबाया, सिलेक्शन लिया, सिलेक्ट के अंदर जाना है, मॉडिफाई के अंदर जाना है, एक्सपेंड पे क्लिक करना है। ठीक है, कितने पिक्सल एक्सपेंड करना है? 20 पिक्सल एक्सपेंड कर दिया, ऐसे सेट कर लिया। ठीक है, बाहर की तरफ आ गया। अब आपने क्या करना है, शेप के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे शेप के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, पहले शेप पे क्लिक करने से पहले आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना, और यहाँ पे हमें ना इसे पाथ में कन्वर्ट कर लेना है, मेक वर्क पाथ। मेक वर्क पाथ पे क्लिक कर देना और ओके कर देना। तो देखो, इसका पाथ बन गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इसके बाद इस शेप के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जब आप शेप के ऊपर क्लिक करोगे ना, हाँ, तो देखो आपने शेप के ऊपर क्लिक किया, इसके ऊपर तो हमारे पास ये पाथ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना इसके अंदर ना कलर हो जाए। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कलर हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, हमने पेन टूल लिया और मैं यहाँ शेप के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो देखो क्या हो गया, इसके ऊपर स्ट्रोक हो गई चारों तरफ। कैसे किया देखो, हमने सबसे पहले हमने यहाँ पे सिलेक्शन लिया था। सिलेक्शन लेने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इसको पाथ में कन्वर्ट करना है। पाथ में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इसी टूल पे क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे, और यहाँ मेक वर्क पाथ का ऑप्शन आ जाएगा। मेक वर्क पाथ करने के बाद आपको पेन टूल पे क्लिक करना है। पेन टूल पे क्लिक करने के बाद आपको शेप के ऊपर क्लिक कर देना है। पर मुझे स्ट्रोक जो चाहिए वो ऐसी स्ट्रोक नहीं चाहिए, मैं डॉटेड वाली चाहिए। ठीक है, तो डॉटेड स्ट्रोक के लिए आप क्या करना, शेप के ऊपर क्लिक करना। यहाँ पे देखो ये आ रही है स्ट्रोक, आप इसे डॉटेड पे क्लिक कर देना, डैशेड पे या डॉटेड पे। तो मैं डैशेड वाली चाहिए थी, डैशेड वाली पे मैंने क्लिक कर दिया। तो देखो आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा है हमारे पास। देखो आउटपुट क्या हो गया हमारे पास, कुछ इस तरीके से आ गया। समझ में आई चीज? एक बार जल्दी से रिवाइंड करते हैं। पहले आपने क्या करना है, पहले आपने इसका सिलेक्शन कर लेना है कंट्रोल दबा के। सिलेक्शन करने के बाद मुझे ना इसके चारों तरफ में डैशेड लाइन चाहिए। जैसे यूट्यूब लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे लोग थंबनेल बनाते हैं, तो थंबनेल के यानी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ में हाईलाइट करके दिखाते हैं कि ये टॉपिक है हमारा। तो आपने इसके बाद क्या करना है, सिलेक्ट के अंदर जाना है, मॉडिफाई में जाना है, और यहाँ पे सिलेक्ट में जाके मॉडिफाई में जाना है, और यहाँ पे क्या कर दोगे आप, एक्सपेंड कर दोगे। तो यहाँ पे हमने एक्सपेंड कर दिया, कितना पिक्सल एक्सपेंड करना है वो सेट कर लिया। तो देखो ये क्या हो गया हमारे पास, इस तरीके से सिलेक्शन बाहर की तरफ आ रहा है। अब आपके पास क्या करना है, यहाँ पे आपको इतना करने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, देखो अभी नहीं आ रहा क्योंकि अभी हमने ये वाला टूल सिलेक्ट कर रखा है। अगर आप ये वाला टूल सिलेक्ट करोगे तो आएगा ऑप्शन। देखो राइट क्लिक किया, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ रहा है, मेक वर्क पाथ। मेक वर्क पाथ पे क्लिक कर देना और ओके कर देना। तो देखो यहाँ पे पाथ इस तरीके से बन के आ गया। सेकंड आपने क्या करना है, इसके बाद पेन टूल ले लेना है। पेन टूल लेने के बाद आपको देखो यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, पहला ऑप्शन है सिलेक्शन, इस पे क्लिक करोगे तो इसका सिलेक्शन बन जाएगा। तो देखो इसके ऊपर क्लिक किया तो सिलेक्शन बन जाएगा। सेकेंड टूल है मास्क, इससे मास्क हो जाएगा। तो देखो इतना एरिया मास्क हो गया। ठीक है, ऐसे ही थर्ड ऑप्शन है शेप, आप इस पे क्लिक करोगे शेप बन जाएगी इसकी। फिर आप चाहो तो अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हो। स्ट्रोक ऐसी आ रही थी, आप यहाँ पे क्लिक कर दो, डैशेड स्ट्रोक आ गई। तो
देखो डैशेड स्ट्रोक आ गई है अब हमारे पास, ठीक है। अब लाइक आपको स्ट्रोक का साइज कितना चाहिए, आउटसाइड से चाहिए, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। आप यहाँ क्लिक करना, मोर ऑप्शन में जाना, और यहाँ पे देखो गैपिंग आ रही है और डैश का साइज आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, तो देखो यहाँ पे 2 साइज हो गया इसका। और गैपिंग कितनी चाहिए वो सेट कर दी, तो 4 मैंने करा, तो देखो 4 की गैपिंग हो जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट है इनसाइड, आप यहाँ से आउटसाइड कर सकते हो, बाहर बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। ठीक है, आ गया हमारे पास। ये देखो हमारा डिज़ाइन जो है वो ऐसा कुछ बन गया। हो गया हाईलाइट। कलर देखते हैं कौन सा कलर चाहिए। स्ट्रोक का कलर चेंज कर लेते हैं। देखो आया समझ में, तो आप इस तरीके से हाईलाइट करके दिखा सकते हो। हाईलाइट करने का तरीका मैंने आपको इसमें बता दिया। एक काम और करते हैं, मैंने एक ना बॉक्स लिया, दूसरा टूल देखते हैं। ये बॉक्स है मेरे पास, कॉपी कर लेते इसको, और इस इमेज को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसकी मैं एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड हटा लेता हूँ। तो बैकग्राउंड हटाने के लिए कि मैंने क्या करा, मैजिक वैंड टूल ले लिया। मैजिक वैंड टूल कहाँ आता है हमारे पास, ये रहा, यहाँ से हमने इसको सिलेक्शन करके यहाँ मैजिक ये हटा दिया। एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेते हैं। आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, तो ये क्या हो गया, इतना सिलेक्शन आ गया। और हमने इसको भी क्या करा, कंट्रोल जे करके इस वाले लेयर को डिलीट मार दिया। तो काफ़ी हद तक तो हट गया, ये थोड़ा सा बचा है। इसके लिए कौन सा टूल सही रहेगा, इसके लिए मैं ये वाला टूल भी ले सकता हूँ, मैजिक लेस टूल। ये क्या काम करता है, मैं ये ड्रॉ करूँगा तो ये अपने आप ऐसे कनेक्शन दे लेगा। सारे टूल यूज़ करके देखा करो कौन सा किस काम आ सकता है। आपको इसे क्लिक कर देना है और डिलीट का बटन दबा दिया। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ये हमारे पास ऐसा कुछ आउटपुट आ गया, ठीक है। चलो तो एक बॉक्स आ गया। अब मुझे ना क्या करना है, इसके ऊपर ना एक लोगो लगाना है, फास्ट डिलीवरी, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक लोगो ले लेता हूँ। ये लोगो ले लिया मैंने, ठीक है। इसको मैं उठा लेता हूँ, ये वाला लोगो ले लेते हैं। सेव किया हमने, GIF मैंने सिखा रखी है ना मैं तुम्हें। देखो अगर मैं लोगो यहाँ पे रखता हूँ तो ये ऐसा कुछ आ रहा है, पर मैं चाहता क्या हूँ कि लोगो ना इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो देखो उसके लिए कौन सा टूल है, आपने क्या करना है, अपने लोगो का ना लोगो को उठा के इधर रख देना है, ठीक है। देन इसके बाद राइट क्लिक करना है, रेस्टराइज कर लेना है। तो लोगो क्या हो गया, रेस्टराइज हो गया। अब आपने क्या करना है, कंट्रोल दबाना है, सिलेक्शन ले लेना है इसका, ठीक है। सिलेक्ट में जाके मॉडिफाई कर सकते हो ताकि कोई पोर्शन बचे ना। एक्सपेंड 1 पिक्सल हमने क्या करा, एक्सपेंड कर लिया और कंट्रोल एक्स कर दिया। तो ये क्या हो गया, लोगो हमारा यहाँ से कट हो गया। अब मुझे लोगो कहाँ लगाना है, मुझे लोगो ना इसके ऊपर लगाना है ऐसे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, एक टूल है, टूल की शॉर्ट की है कंट्रोल ऑल्ट वी,
इसे बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट टूल, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट वी शॉर्ट की है किसकी, वैनिशिंग पॉइंट टूल की। आपको ना जिस पॉइंट पे चाहिए ना उस पे ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। मैंने ड्रॉ कर लिया इस तरीके से, इसे एडजस्ट भी कर सकते हो। हाँ, मुझे लोगो अपना यहाँ लगाना है, आपने कंट्रोल वी करना है, लोगो यहाँ पेस्ट हो जाएगा। वहाँ से हमने कंट्रोल एक्स से कट किया था, इसको उठा के आपने यहाँ रख देना है। तो देखो ये क्या हो गया, इसी शेप में आ गया, साइज बढ़ा इसका। तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म टूल है, यहाँ से हम इसके साइज को कम कर लेते हैं। एंटर मारा, अप्लाई हो गया। तो लोगों देखो हमारा क्या हो गया, इस तरीके से इसके ऊपर आ गया, ठीक है। ऐसे लिख के दिखाना है, यानी लोगों पे कुछ भी डिज़ाइन करना है आपने, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पे एक ना यहाँ पे ऐसे टेप चाहिए, मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगल और लिया, कलर दे देते इसके अंदर, कौन से कलर, यहाँ पे कंट्रोल एक्स पे ये कलर दे दिया। पहले आपने क्या करना है, कंट्रोल एक्स करना है, फिर कंट्रोल ऑल्ट वी कर देना है। कंट्रोल ऑल्ट वी क्या थी, शॉर्ट की थी इसकी। ये वाले टूल से आपको क्रिएट करना है ऐसे, और कंट्रोल वी कर देना है। कंट्रोल वी करने के बाद देखो ये पेस्ट हो गया, इसको उठा के यहाँ रख दिया हमने, कंट्रोल आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। चलो मैं मैच करा लेता हूँ। तो मैच कराने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे एक एफेक्ट्स में जाओगे और ना ब्लेंडिंग ऑप्शन होता है, ठीक है। अब ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाना है इस लेयर पे, और ना आपको क्या करना है, ऑल्ट दबा के इस वाली जो अंडरस्टैंडिंग लेयर लिखी है ना, इस पे क्लिक कर देना है, तो ये ब्रेक हो जाएगा। ऐसे ही ऑल्ट दबा के इस पे क्लिक करना है, ये ब्रेक हो जाएगा। ये ब्रेक हो गया है, यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, इस लेयर को एडजस्ट कर लेना है ऐसे, इसको भी ऑल्ट दबा के पहले ब्रेक करना, ब्रेक हो जाएगा ये, और ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है इसको। ऐसे ही ऑल्ट दबा के इसको भी हमने थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, ठीक है। एक बार ये ओके करके देखते हैं, सॉलिड है ना, चेक क्लीन ही दिया। तो इससे ये समझ में आया ना आपको किस तरीके से यूज किया हमने। हमने क्या करा, सबसे पहले वर्ड का सिलेक्शन लिया, सिलेक्शन लेने के बाद कट किया इसे कंट्रोल ऑल्ट वी। अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता तो कहाँ पे जाओगे, फिल्टर में, फिल्टर में ये टूल है वैनिशिंग पॉइंट टूल, ठीक है। फिल्टर का अगर ऑप्शन है, काफ़ी काम आता है ये। आपको बस ऐसे ड्रॉ करना है, जैसे भी एंगल में चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है आपने, इसके बाद कंट्रोल वी से पेस्ट करना था और उठा के यहाँ रख देना। देखो डिजाइन हमारा इसके ऊपर लग गया, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई ना, तो हमने कौन कौन से टूल देखे, हमने ये पाथ बनाना सीखा, पाथ कैसे बना सकते हैं। अच्छा एक और चीज देखते हैं, मुझे ना इसके चारों तरफ में लिखना है, यहाँ पे पता है कैसे लिखोगे। जैसे हमने जो ये पाथ बना रखा था, हमने कंट्रोल दबा के सिलेक्शन लिया, सिलेक्ट में जाएंगे, मॉडिफाई पे जाएंगे, एक्सपेंड पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 25 कर दिया, 25 कर दिया यहाँ पे, और ओके कर दिया। ये सॉरी एक्सपेंड करना था, सिलेक्ट मॉडिफाई एक्सपेंड 25 और ओके कर दिया, ठीक है। और थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, सिलेक्ट मॉडिफाई एक्सपेंड और ओके कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर लिखना है। तो लिखने के लिए मैंने क्या करा,
यहाँ पे पेन टूल लिया, ठीक है, और क्या करेंगे सर, पहले से पहले सिलेक्शन करेंगे इसको, राइट क्लिक और वर्क पाथ, मेक वर्क पाथ, और ओके कर दिया। अब मुझे इसके ऊपर टाइप करना है तो मैं क्या करूँगा, टाइप टूल लूंगा और नॉर्मल ऐसे क्लिक कर दूंगा ऐसे, ठीक है। लिखा गया ऐसे, मैं साइज बढ़ा देता हूँ उसका। ठीक है, थोड़ी सी स्पेसिंग बढ़ा लेते हैं। देखो हमारे पास जो लिखने का ऑप्शन आ गया, कुछ इस तरीके से लिखा हमने, अप्लाई कर लेते हैं। आया समझ में? ठीक है, तो हम ऐसे टाइप भी कर सकते हैं। तो ये देख लिया हमने इस तरीके से लोगो कैसे लगाना है, ये चीज़ देख ली हमने। अच्छा, तो ये टूल तो हम यूज़ कर चुके थे, टाइप ऑन पाथ टूल, मैंने आपको ये स्ट्रोक वाला बताया आपको, और इसे यूज़ करना था। अब मैं कुछ कुछ पूछता भी हूँ आपसे, ठीक है, बताना मुझे। देखो मेरे पास ना एक टास्क है, एक मेरे पास ना सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल को मैं यहाँ रख लेता हूँ, इसमें कलर दे देते हैं नई लेयर पे, तो मैंने यहाँ पे ये वाला कलर दे दिया, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने क्या करा, एक सर्कल और लिया, उसको मैंने यहाँ रख दिया, दो सर्कल आ गए हमारे पास। इस सर्कल के अंदर मैं चाहता हूँ कलर दे दूँ, तो मैंने यहाँ पे ना FX में जाके इनर शेडो दे दी, या डॉप शेडो दे देते हैं, डॉप शेडो दे दी, ठीक है। मैंने ड्रॉप शेडो यहाँ रख दी और इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया ऐसे, ठीक है। अब यही वाली शेडो मैंने क्या करी, इसको उठा के इस पर रख दिया यहाँ पे, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ एक शेडो इधर एंगल में आए और एक शेडो इधर एंगल में आए, तो मैं एक काम करता हूँ, ड्रॉप शेडो पे डबल क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैंने क्या करा, इसका एंगल ना उठा के यहाँ कर दिया, पर क्या हो रहा है, दोनों मूव कर रही है। तो मुझे ऐसा चाहिए था, एक शेडो इधर आया एक शेडो इधर आया, तो क्या कर सकते हैं, कुछ पता है आपको इसका आइडिया? नहीं, कुछ नहीं होगा उससे। देखो जब भी ना हम शेडो की बात करते हैं, तो शेडो ना वो एक एंगल की तरफ से लेके चलती है। अगर आपको दो सब पे डिफरेंट डिफरेंट शेडो चाहिए, जितने मैं बनाऊंगा सब पे एक ही एंगल चलेगा, तो अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट चाहिए शेडो, तो आप ना यहाँ पे यूज ग्लोबल लाइट होती है, इसे अनचेक कर लेंगे। अनचेक करने के बाद आप कस्टम अपने हिसाब से अलग अलग दे सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको, जब ये शेडो देते हो तो यहाँ पे यूज ग्लोबल लाइट लिखी होती है। ग्लोबल लाइट का मतलब सबकी सबकी लाइट जो आएगी वो एक ही एंगल से आएगी, तो आपको चेंज करना है तो क्या करेंगे, यूज ग्लोबल लाइट को अनचेक कर देंगे, ठीक है। चलो तो ये चीज़ ये भी समझ में आ गया, शेडो का शेडो हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब आते हैं, अगर मुझे कोई गोल्डन कलर का टेक्स्ट लिखना हो, देखो अगर मुझे ना गोल्डन कलर का कोई टेस्ट बनाना है, तो मुझे यहाँ पर अपना नाम जो है ना गोल्डन कलर से लिखना है, RHUL, ठीक है। मैं अभी इसका कलर ना ऑरेंज कलर दे देता हूँ, ये हो गया, मैंने थोड़ा सा अलग दे देते हैं। अब इसको मुझे गोल्डन कलर में कन्वर्ट करना है, तो पता है आपको कोई आइडिया है किस तरीके से होगा? देखो अगर आपको गोल्डन कलर का बनाना है, अगर आपको टेस्क यानी गोल्डन, जैसे पीसी ज्वेलर्स का लोगो देखा होगा आपने, है ना, पीसी ज्वेलर्स का लोगो कैसा है, चेक करते हैं। ज्वेलर्स, ठीक है, ऑल दबा के मैंने उसे छोटा कर दिया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइन, ऑल्ट इसको नीचे लिया, कंट्रोल शिफ्ट सी से सेंटर लाइन कर दिया मैंने, ये पीसी ज्वेलर्स ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। मैं चाहता क्या हूँ कि ना ये ना गोल्डन कलर का दिखाई दे, अभी गोल्डन कलर का दिखाई नहीं दे रहा ये। चलो
चलो मैं इसके ना कॉर्नर पे ना रिंग भी दिखाया था, तो मैंने यहाँ पे सर्कल ले लिया और इस सर्कल में कोई कलर दे दिया हमने, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, ठीक है। और इसी का सर्कल का मैंने थोड़ा सा सिलेक्शन भी ले लिया, राइट क्लिक ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, और इसी को मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया और यहाँ पे मैंने डिलीट का बटन दबा दिया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक सर्कल के अंदर यानी पीसी ज्वेलर्स हमने लिखा हुआ है, पर मुझे इस पर गोल्डन इफेक्ट चाहिए। तो इसके लिए ना आपको मैंने चॉकलेट बनाना सिखाया था, आप यहाँ से बेवल इनबॉक्स में जाना, देखो यहाँ पे ना एक ऑप्शन मिलेगा आपको डबल रिंग ये वाला, इस पर क्लिक करना, तो देखो आपका जो इफेक्ट आ गया वो गोल्डन कलर का आ गया है, ठीक है। आप यहाँ से डेप्थ के साथ काम कर सकते हो, आप यहाँ से साइज के साथ काम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमने इस तरीके से दे दिया और इसे शार्प कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और अगर मैं इसे सॉफ्ट रखूँगा तो ये इस तरीके से आ रहा है। अब यही वाला इफेक्ट मुझे दूसरे पे भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी लेयर स्टाइल, कॉपी लेयर स्टाइल ये आ गया हमारे पास, और ये पेस्ट कहाँ करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक किया और पेस्ट लेयर स्टाइल, कहाँ पे आ रहा है पेस्ट लेयर स्टाइल, देखो क्या हो गया, ये गोल्डन वाला लुक आ गया इसके ऊपर, ठीक है। तो अगर आपको गोल्डन कलर का टेस्ट बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हो, क्लियर है। ये मैंने आपको चॉकलेट बनाना सिखाया था, वैसे ही कुछ यहाँ पे हमने क्या करा, डेप्थ को थोड़ा यूज करके कट किया, ये टूल हमारा क्लियर हो गया। हमने आज ये नया टूल करा कौन सा, फिल्टर में जाके वैनिशिंग पॉइंट टूल, वैनिशिंग पॉइंट टूल के अंदर हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन थे, जैसे कि यहाँ पे ये हैंड बार टूल है, मतलब अगर कोई स्क्रीन को ड्रैग करना होगा तो आप इससे करोगे, ये जूम टूल है, इससे हम थोड़ा जूम कर सकते हैं इसके अंदर, और ये आई ड्रॉपर टूल है, अगर कोई कलर पिक करना होगा तो आई ड्रॉपर टूल यहाँ से यूज़ कर लेंगे, और ये स्टैम्प टूल है, मतलब ये जो क्लोन स्टैम्प टूल का काम करता है, और ये क्या है, ये सिलेक्शन करने का, लाइक थोड़ा बहुत उसे मॉडिफिकेशन करनी है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो एक और डिज़ाइन बनाते हैं कोई, तो हम जो जितने भी हमने करे ना उसी से रिलेटेड डिज़ाइन करते हैं। मुझे ना एक ना कुछ ऐसा करना है, एक काम करते हैं, क्वेश्चन आते हैं 500 रुपीज नोट, ठीक है, असली नकली है ये नोट ले लेते हैं, सेव इमेज कर लेते हैं, इसको हमने क्या करा यहाँ रख लिया, ठीक है, इसको मैं यहाँ सेट कर लेता हूँ, ये आ गया हमारे पास। मैं चाहता क्या हूँ कि ना ये नोट ना मुझे ना बहुत सारे बिखरे बिखरे से दिखाई दे, तो कोई तरीका बता आपको, हाँ इसका पैटर्न बना सकते हैं। चलो हम एक काम करते हैं, एक फोटो भी लेते हैं, एक अच्छे से पोज बनाते हैं, तो मैं एक काम करूँगा यहाँ पे ना इसका साइज रख लेते हैं 1080 और यहाँ रख लेते हैं 1080, ठीक है, यहाँ पोस्ट बनाएंगे और पैसे कहाँ है हमारे, ये रहे, हमने कंट्रोल दबा के इसका सिलेक्शन किया और यहाँ से हम गए एडिट के अंदर और डिफाइन पैटर्न, तो यहाँ ऑप्शन तो आ नहीं है पैटर्न का, पैटर्न का ऑप्शन तब आता है जब आपने इसे रेस्टराइज कर रखी हो लेयर को। एक काम करते हैं इमेज में जाके क्रॉप भी कर लेते हैं इसको क्रॉप, तो अब ये अब मैं इसको पैटर्न बना सकता हूँ, तो मैंने यहाँ से इमेज में गए, सॉरी एडिट में गए और डिफाइन पैटर्न, अच्छा इसको हटा देता हूँ मैं, हाँ ये जो एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है ना वो भी रिमूव कर लेता हूँ, ये वाला सेक्शन, तो मैंने क्या करा एक रेक्टेंगल लिया, इतना ही रख लेते हैं, शेडो आ रही है ना वो हटाए थे, तो यहाँ से हमने इमेज में गए और क्रॉप कर दिया, आगे हमारे पास ये, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इमेज क्रॉप ये आ गया हमारे पास, ठीक है नोट। अब हम इसका ना एडिट में जाके डिफाइन पैटर्न कर लेते हैं, तो ये लिखा आ रहा है पैटर्न, यहाँ पे क्लिक कर दिया हमने और ओके कर दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, एक कोई फोटो लेते हैं ऊपर लगाने के लिए, तो
यहाँ पे मैंने इसकी ले ली हमने, ठीक है, और इसको उठा के मैं रख लेता हूँ कॉपी इमेज। बैकग्राउंड पे आपको बताइए, बैकग्राउंड हटाने का एक तरीका और बताया था मैं आपको, अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है तो एक तरीका सिंपल सा भी है, आपको विंडो में जाना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज से घर आइए, आप यहाँ रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना, क्विक एक्शन पे क्लिक करना पहले, और यहाँ रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना, तो इससे भी बैकग्राउंड रिमूव हो जाते हैं। तो ये फोटोशॉप ने AI सिस्टम से क्या करेगा, बैकग्राउंड रिमूव कर देगा इसको। तो कुछ हुआ इससे? हाँ देखो, बैकग्राउंड रिमूव हो गया, ठीक है, और मैं इसको थोड़ा बड़ा करके ऐसे रख लेता हूँ, कंट्रोल टी, और यहाँ पे मैंने ऐसे सेट कर लिया, इसको मैंने काफ़ी यहाँ रख दिया। अब मुझे इसके पीछे पैटर्न देना है, यानी कि आपका जितने सेक्शन पे चाहिए बनाया, और जैसे मैं एडिट में जाता हूँ और यहाँ पे फिल का ऑप्शन है, मैंने यहाँ पे ना पैटर्न चूज़ कर लेना है, पैटर्न चूज़ कर लिया यहाँ पे मैंने, और जो पैटर्न अभी मैंने बनाया था वही वाला पैटर्न ले लेते हैं, ये वाला पैटर्न ले लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे स्क्रिप्ट पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने क्या करा, रैंडम फिल पे क्लिक कर दिया और ओके कर दिया, और ओके कर लेते हैं। तो देखो ये पैटर्न आ गया इस तरीके से, ठीक है, दो तीन बार अप्लाई कर लेते हैं, शिफ्ट F5 पैटर्न, और ओके कर दिया फिर से, ये देखो शिफ्ट F5। तो वो क्या कर रहा है, उसे पूरा फिलअप कर दिया, तो उसने पूरा फिलअप कर दिया इस तरीके से, ठीक है, लाइक मैंने क्या करा, पैसों का क्या करा, एक पूरा बैकग्राउंड बना दिया, ठीक है, आगे समझ में। तो लाइक आप इस तरीके से पैटर्न बना सकते हो। तो भी डालना कंटेंट, उतना कंटेंट, ये चीज़ क्लियर हो गई ना आपको? तो पैटर्न जैसे बनाते हैं मैं आपको करा चुका था, तो हमने क्या करा, पैसों का इस तरीके से पैटर्न बना लिया, तो देखो पूरा का पूरा ये इस तरीके का पैटर्न बन गया, ठीक है। तो आप ये सब छोटी छोटी चीज़ें यूज़ करके ना अपने अच्छे से डिज़ाइन बना सकते हो। तो पैटर्न बनाना हमने सीख लिया। अच्छा एक और चीज़ देखते हैं, इन सबको यूज कर लेना अपने तरफ से। ये मैंने फोटो ली, तो यहाँ रख लेते हैं, इमेज में गए और यहाँ रिवील ऑल कर दिया मैंने, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे ना इमेज में ना क्वालिटी इमेज की बढ़ानी है, ठीक है। अगर कोई इमेज है आपकी थोड़ी ब्लर इमेज हो रही है, आपको उसकी क्वालिटी बढ़ानी है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको कंट्रोल के करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक टेक्नोलॉजी प्रीव्यू लिखा होगा, इसे चेक कर लेना, ठीक है, और यूज़ मॉडिफायर की प्लेट पे भी चेक कर लेना। ये चेक करने के बाद आपको क्या करना है, ओके कर देना इसे, ठीक है। इमेज में जाना, इमेज का साइज़ में जाना, यहाँ पे आपने अब इसका साइज़ बढ़ा सकते हो, जैसे मैंने क्या करा यहाँ पे 3000 कर दिया। आपको बस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसी पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर नॉइज़ी इफेक्ट रखना है, कम ज़्यादा करना है, तो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो अगर कोई इमेज की और ये ब्लर हो रही है, तो आप इस तरीके से उस इमेज की क्वालिटी ला सकते हो, ठीक है। तो इस साइज़ को कम ज़्यादा जब करते हैं, तो हम इस तरीके से करते हैं। देखो तो मैंने साइज़ को काफ़ी बड़ा कर दिया, पहले कम साइज़ था, अब काफ़ी बड़ा साइज़ हो गया, और क्वालिटी इमेज की क्वालिटी ख़राब नहीं हुई। पर अगर मैं ऐसे ना वैसे नॉर्मल करता, तो इमेज की क्वालिटी चली जाती है, ठीक है। तो ये तरीका है हमारे पास। चलो अब इसके ऊपर कुछ एडिटिंग करते हैं, जैसे कि मैंने क्या करा, इसके ऊपर यहाँ से सॉलिड कलर डाल दिया। कौन सा कलर डालना है आप अपने हिसाब से चूज़ कर लो। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, ये कलर डाल दिया, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे हमने लीनियर लाइट यूज़ करी,
सेचुरेशन कलर सॉफ्ट लाइट, तो इस तरीके से आप लाइक कोई इमेज है तो इमेज में कलर की टोन भी डाल सकते हो, ठीक है। कलर की टोन डालने के लिए इस तरीके का यूज़ कर सकते हो। आपने क्या करा, कोई भी कलर लिया यहाँ पे, तो जोन से कलर की टोन आपको डालनी है तो ये तरीका है। इस तरीके से आप कलर की टोन डाल सकते हो इमेज के ऊपर, ठीक है। जरूरी नहीं कलर आप यहीं से लो, आप नई लेयर लेके कौन सा कलर देना है आप इसे सेट कर लो। और यहाँ पे हमने क्या करा, जोन से कलर का इफेक्ट डालना है, सॉफ्ट लाइट ओवरले स्क्रीन लाइट इन मोड। तो मुझे क्या चीज़ चाहिए, सॉफ्ट लाइट चाहिए थी, कौन सा कलर चाहिए आपको वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ये इफेक्ट ना आपको इनबिल्ट भी मिल जाएगा, ये इनबिल्ट भी मिल जाएगा। इनबिल्ट कहाँ मिलेगा, आप यहाँ से जाना इसके ऊपर और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ग्रेडियंट और एक ग्रेडियंट मैप। अगर आप ग्रेडियंट मैप यूज़ करते हो तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसमें आपको इस तरीके इफेक्ट मिल जाएगी अलग अलग। यहाँ पे आप क्लिक करके रिवर्स कर सकते हो, उल्टा कर सकते हो। आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे, यहाँ आपको काफ़ी सारे ग्रेडियंट मिल जाएंगे जिनका आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके के, ठीक है। आपको पर ये पूरा यूज़ नहीं करना, आपको बस क्या करना है, इसकी सॉफ्ट लाइट यूज़ करना है। तो इससे क्या होता है, ये कलर ग्रेडियंट होता है, मतलब आप इस तरीके से ना इमेज में ग्रेडियंट एडिटिंग कर सकते हो। तो लाइक अगर आपको इमेज में थोड़ा सा कलर करेक्शन करनी है तो कलर करेक्शन हम इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो इसे पता क्या बोलते हैं, इसे कलर ग्रेडियंट बोलते हैं। हमने सॉलिड कलर करके भी देख सकते हैं और वैसे भी। लाइक आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, कलर करेक्शन करके कलर ग्रेडियंट कर सकते हो, ठीक है। तो फोटो में तो उस कलर की क्या हो जाएगी, टोन आ जाएगी। चलो अभी पता है अब आपने क्या करना है, मैंने आपको कुछ असाइनमेंट इसके लिखवाता हूँ, वो लिख लो, ठीक है। सेकंड धीरे 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 करते रहो। अब हम ना जो क्लास में ना इसमें कुछ कुछ जैसे कि इफेक्ट्स हो गए वो करते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लिख लो कि हमारा क्या क्या काम रहेगा। आपको ना फोटोशॉप के अंदर दो GIF इमेज बनानी है। हाँ हेलो, फोन तो बंद पड़ा है मेरा। आगे हो गए, देख लो दो GIF इमेज बनानी है आपने, ठीक है। GIF मैंने करा रखी है। GIF की फुल फॉर्म क्या होती है, GIF की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। तो आपको मेलर बनाने हैं, दो मेलर डिजाइन करने हैं। मेलर डिजाइन दिखाता हूँ मैं कैसे रहेगी। तरीके के मेलर रहेंगे, तो दो आपने मेलर डिजाइन करने हैं, ठीक है। कोई भी वेबसाइट ले लेना, उसका कोई भी कंटेंट का, जैसे ये ना मेलर किस तरीके से रहेगा, जैसे लोग क्या करते हैं मेल पे भेजते हैं, ठीक है, ऑफर मेल पे भेजते हैं, तो ये काम सबसे ज्यादा होता है। तो मेलर डिजाइनिंग करनी है तो, ठीक है। इसका मेलर का साइज जो रहता है वो 1280 रहता है, विथ 1280 रहती है। हाइट आप ऑटो लेके चल सकते हो जितनी मर्जी। विथ कितनी रहेगी, 1280 पिक्सल रहेगी। हाइट ऑटो रहेगी, अपने तो अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो हाइट। दो मेलर हो गए, ठीक है। चार आपको सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है। चार हमारी सोशल मीडिया पोस्ट रहेगी, मतलब जैसे कि ना मैं कोई भी कैटेगरी ले लेना, कोशिश करना कि ना आप ना एक ही कंटेंट के ऊपर लेके चलो तो आपका एक पूरा पोर्टफोलियो बन जाएगा, ठीक है। चार सोशल मीडिया पोस्ट इसमें बना लेना फोटोशॉप के अंदर।
इमेज एडिटिंग करनी है दो, मतलब इमेज एडिटिंग कैसे रहेगी, जब बिफोर आफ्टर होता है ना, इसमें बिफोर आफ्टर दिखाना है आपने। एक एक जो रहेगा इसके अंदर डबल एक्सपोजर कट रहेगा, दो इमेज मैनिपुलेशन कर सकते हैं। इमेज मैनिपुलेशन में कुछ भी आ सकता है, लाइक जैसे कि मैं एक करके छोटा सा कुछ, हाँ कुछ भी कर सकता है। इमेज मैनिपुलेशन सर्च करना सारी इमेज मिल जाएगी, जैसे मैंने क्या किया एक, जैसे इसने क्या कर रखा है, इस तरीके का कुछ बना रखा है। ठीक है, चलो कोई और फोटो लेते हैं। मैंने क्या करा, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लिया। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए मैंने मैजिक वैन टूल लिया, मैजिक वैन टूल ऐसे सिलेक्शन कर लिया। ठीक है, ये आ गया। मैजिक वैन टूल जब यूज़ करते हैं टॉलरेंस मतलब ये होती है इसकी, मतलब कितनी आपको अमाउंट चाहिए। डिलीट का बटन दबाया इसको मैंने यहाँ पे, डिलीट तो नहीं हो रहा है, डिलीट हो गया। इसको मैंने यहाँ रख लिया। मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगल लिया, इसको मैंने इतना सिलेक्शन कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट जैसे कंट्रोल से अभी लिया क्या आता है, मैंने इसको यहाँ रख लिया। इसको उठा के मैंने क्या करा, इधर रख दिया। इसको मैंने उठा के इधर गया, इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया कंट्रोल शिफ्ट जे, तो ये अलग अलग आ गए हमारे पास। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसे मॉडिफिकेशन कर लो। जैसे मैंने एक सर्कल लिया, और नई लेयर ली, और कलर दे देते हैं इसमें कौन सा कलर चाहिए हमें, ऑल प्लस बैकस्पेस, ये ऐसा आ गया। ये मैंने इलस्ट्रेशन कराया था ना, हाँ इसको मैंने यहाँ रख दिया। इसमें मैंने ये कलर दे दिया, हाँ इसको मैंने यहाँ रख दिया, इसको मैंने ये कलर दे दिया, और यहाँ पे मैंने नई लेयर ली और मैंने यहाँ पे ये कलर दे दिया। आगे समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से लाइक हम क्या कर सकते हैं, ऐसे मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो एक आपको फेस मैनिपुलेशन कर लेना, जैसे इसे इसे बोलते हैं फेस स्लाइस, ऐसा कुछ निकाल लेना ये। ठीक है, ऐसे कुछ इमेज मैनिपुलेशन कर लेना, ऐसा कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो इमेज मैनिपुलेशन हो जाएगी हमारी। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, एक कलर ग्रेडियंट करके देखना। कलर ग्रेडियंट मतलब जो इमेज एडिटिंग होती है ना, वैसे इमेज एडिटिंग करना कलर ग्रेडियंट से। दो वेबसाइट डिजाइन करनी है इसके अंदर आपको। वेबसाइट जो रहेगी ना, वो मतलब पूरा वो रहेगी 5 पेज की कम से कम, मतलब यूजर क्लिक कर करके अलग पेज पे जाएगा। पूरी, हाँ पूरी प्रोटोटाइपिंग मत करना आपको, हाँ पेज बनाने हैं बस आपको, 5 पेज होने चाहिए, पता होना चाहिए कि यहाँ पे यूजर क्लिक करके यहाँ जाए, भले एक ही साइड बना देना। ठीक है, दो वेबसाइट बनानी है। एक जो रहेगा वो एप्लीकेशन रहेगा, उसी का एक एप्लीकेशन हो जाएगा कि मोबाइल में वो किस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, सोशल मीडिया पोस्ट हो गई। फोटो एडिटिंग का ज़्यादा मत लगना, मेन तो हमारा यूआई यूएक्स ये रहेगा हमारा, वेबसाइट डिजाइनिंग का और एप्लीकेशन का। ठीक है, एक दो दो डिजाइन बना लेना, ताकि ये रहेगा कि हमें फोटोशॉप भी अच्छे से आता है। और हाँ आपने ना, हाँ ये फोटोशॉप के पोर्टफोलियो के दो आपने ना मैगजीन के कवर डिजाइन करने हैं, ए फोर शीट पे। ठीक है, मैगजीन के कवर बना लें।
दो वेबसाइट के बैनर बनाने हैं। तो आपको एड्स के बनाने हैं, गूगल एड्स। मैं गूगल एड दिखाया था आपको किस तरीके बनाना है, शायद मैंने कराया भी था आपको। गूगल एड देखो इस तरीके के रहेंगे, ये देखो इस तरीके के गूगल एड्स रहेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, एड्स बैनर अलग अलग साइज पे एक ही डिजाइन को ऐसे मैनिपुलेट करना है, ठीक है। आपने एक डिजाइन बनाना है, उसी को अलग अलग साइज पे रखना है और ऐसा प्रेजेंटेशन देके पूरा सेट करना है, ठीक है। तो ये गूगल एड्स बनाने हैं, अच्छा ऐसे दो बनाने आपने, ठीक है। एक बनाना है आपने टू साइड फोल्डेड ब्रोशर, और फिर काम करना आपने इन सब का मोकअप करना। इनके मोकअप आप ना फ्री पिक से निकाल लेना और फ्री पिक से डिजाइन वो करके सेट करना। तो ये सारा आपका इसका फोटोशॉप का काम है, ठीक है। ये आपको फोटोशॉप पर स्टार्ट कर देना है बनाना अभी से ही, ठीक है। अब धीरे धीरे हम जो जो चीज़ें हमारे टूल्स पर साथ साथ करते रहेंगे, वो बस एडिटिंग के टूल्स है। तो मेन हमारे पास थे वो ये थे, अब एडिटिंग हम साथ साथ करते रहेंगे, ठीक है। और तुम ये पोर्टफोलियो अपना कंप्लीट करते रहो।